नमस्कार, मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन लगाया था और कहा गया था सभी को, आम जनता को, कि इस लॉकडाउन का पालन किया जाए। लेकिन आप देख सकते हो हम लोग अभी बॉडी के मेन मार्केट में हैं। मेन स्क्वायर पर आप देख सकते हो कि जैसे भीड़ है जनता की, ऐसे कहीं से भी लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन लगा है या फिर आम जनता को कोरोना का डर है। वो बाकायदा बाहर निकले हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर सभी लोग और पैदल आने जाने वाले लोग भी अपने को बाहर दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है। बिना हेलमेट वाले, एक गाड़ी पर जो लोग डबल सीट है या फिर एक कार में 3 से 4 लोग हैं, उनकी कार्रवाई की जा रही, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। हम लोग यहाँ से कुछ लोगों को पूछना चाहेंगे कि वो लोग किस चीज़ के लिए बाहर निकले हैं। आपका नाम बताइए। प्रतीकेश आगरकर। आप किस लिए बाहर निकले हो? मैं मम्मी की दवाई लेने बाहर निकला। अच्छा, हाँ। किस चीज़ की दवाई लेने के लिए बाहर? वो मम्मी को जॉइंट पेन है तो थोड़ा ये आयुर्वेदिक फार्मेसी से नहीं आपे। अच्छा। तो वहाँ गया था। लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लॉकडाउन को लेकर प्रतिक्रिया ऐसी है कि अभी तो कंपलसरी है लॉकडाउन, क्योंकि इतना ये हो रहा है उसका। पर एकदम भी कैसा ज्यादा लंबे लंबे लॉकडाउन नहीं होने चाहिए। कैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट को बहुत लॉस हो रहा है इसमें। क्या कर रहे हैं आप, क्या स्टडी करते हो? मैं वैसे ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, मेरे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी है। अच्छा। तो उससे कैसा गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ, क्योंकि कैसा पुलिस भर्ती भी नहीं हो रही है। हाँ। ऊपर से क्या बोलते हैं, MPSC के पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं। तो वो चक्कर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना चाहिए गवर्नमेंट ने, बस और कुछ नहीं। और अभी जैसे कि और लॉकडाउन आगे भी बढ़ने वाला है, ऐसे कुछ न्यूज आ रही है? हाँ, तो उसको लेकर क्या कहना है? ऐसे रूमर्स तो सुने कि 31 तक हो सकता है या उसके आगे 14 अप्रैल तक भी हो सकता है। तो इतना लंबा ना करते हुए कि कोई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टेप लेकर सबको रोक दिया जाए और लॉकडाउन की जो प्रोसेस है जल्दी से निपटाई जाए, ताकि कैसे फिर कॉलेज के पेपर्स भी हो सके, कॉलेज भी स्टार्ट हो सके। इसलिए ऐसा ही बस। ये सब देख के आपको लगता है कि आम जनता लॉकडाउन का पालन कर रही है? नहीं। तो क्या आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे अपने तरफ से, कोई न्यूज़? बस ऐसे ही कि इतना कि जो NMC ने जो गाइडलाइंस दिए है, बस वो फॉलो करें और थोड़ा सा कम निकले घर के बाहर, बस। नाम बताइए। रमेश वर्मा। रमेश वर्मा। आप किस लिए बाहर निकले हो? दवाखाना जा रहे हैं। एक गाड़ी में दो लोग अलाउ नहीं है वैसे? तो गाड़ी में मरीज के कहाँ लेके, कायम से लेके जाएंगे मैडम? एक गाड़ी में डबल सीट अलाउ नहीं है ना मैडम, कैसे लेके जाएंगे आप बताइए? ऑटो से लेके जाओ किसी भी, आपको सामने ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेंगी ना? पकड़ेगी तो मुझको दिखना चाहिए ना, कहाँ से जा रहे, कहाँ जा रहे, घूमने थोड़ी जा रहे हैं, दवाखाना जा रहे हैं। अच्छा, इस लॉकडाउन को लेकर आपका क्या क्या प्रतिक्रिया है? क्या सब तो रखते ना सर, लॉकडाउन में क्या करेंगे, घर बैठे हैं, कोई काम नहीं कोई धाम। क्या आप क्या जॉब करते हो? जॉब वॉब नहीं करते। क्या करते हो आप? रोजी मजदूरी करते हैं मैडम। कहाँ पे रोजी करते हैं? यही अपने जहाँ मिला वहीं। तो अभी तो काम आपका बंद होगा? सब बंद है। फिर घर परिवार कैसे चलाते हैं? क्या करेंगे, घर परिवार जैसे चल रहा जैसे खाएंगे, जो खाना सूखा रूखा वही खा रहे हैं, क्या बताएं। तो आपको लॉकडाउन, आपका लॉकडाउन के प्रति समर्थन नहीं, आपको लगता लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं, हम लोग को ऐसा नहीं, रोजी पानी चलना चाहिए। लॉकडाउन लगेगा तो क्या खाएंगे? प्रशासन तो और लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर रही है, उसके ऊपर क्या बताएं मैडम? आंटी बोलिए, भूखे मार दीजिए मना, जहर डाल के वायरस फैला के फिर ऐसे मार दीजिए ना, भूखे बच्चे तड़प रहे हैं, दवा दारू में दुनिया के पैसे लगते हैं, ये इससे तो टेंशन बढ़ के तो बीमार हो रहे हैं। और आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, घर में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इस कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन लगा है उसका खास करके आम जनता पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। नाम बताइए अपना। प्रेम। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी फिलहाल चंद्रपुर। क्यों? एग्जाम के लिए आए थे। कौन सी एग्जाम? NTPC। NTPC हो गई एग्जाम? हाँ। कैसा गया पेपर आपका? ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी ये जो लॉकडाउन लगा है 8 दिन का, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? दिक्कत तो हो रही है क्योंकि ये चंद्रपुर से 1 दिन पहले आना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। कहाँ था पेपर आपका? वाड़ी में। अच्छा, हाँ बोले, लॉकडाउन के लिए क्या बोल रहे थे आप? 1 दिन पहले आना पड़ा दोस्त के यहाँ रुक के, क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, टाइम पे नहीं आ पाया, क्योंकि आज भी आ सकता था लेकिन लॉकडाउन। चलो, मेरा दोस्त आ गया। अच्छा, ये है क्या आपके दोस्त? इस लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ नहीं, महामारी चालू है, धंधे नहीं है, कुछ नहीं, खाली खाली घूमना पड़ रहा, घर में कुछ नहीं है। जब आपको पता है लॉकडाउन का, बाहर निकले क्यों मैडम? घर में कुछ नहीं है ना खाने के लिए, क्या खाएंगे फिर? लेकिन अभी तो लॉकडाउन चालू है ना भैया?
हाँ लॉकडाउन चालू है वो ठीक है ना, लेकिन अभी हम 2-3 घंटे के लिए निकलते हैं 1 बजे तक के, और 1 बजे के बाद घर में निकल जाते हैं। सवारी आ रही है क्या? नहीं ना, एक भी सवारी नहीं मिलती है, तो खाली खाली आना पड़ता है, खाली जाना पड़ता है। तो फिर आपका घरदार कैसे चल कैसे रहा है? हम चलाते मैडम थोड़ा थोड़ा करके, एक टाइम खा के एक टाइम नहीं खा के ऐसा चलाते हैं। ऐसे चला रहे हो? लॉकडाउन को मतलब आपके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लॉकडाउन तो लगना चाहिए मैडम, लेकिन कैसा थोड़ा बहुत सुविधा होना चाहिए 2-4 घंटे 5 घंटे के लिए, 2-4-3-4 घंटे के लिए कम से कम थोड़ा चलाने देना चाहिए। सवारी कैसे दुकान 4-5 बजे तक कम से कम खुला रहना चाहिए, 1 बजे का टाइम दिए है तो 4-5 बजे तक कम से कम खुला रहना चाहिए। बिल्कुल। पहले की लॉकडाउन में अभी की लॉकडाउन में आपको कोई फर्क दिख रहा है क्या? हाँ फर्क तो बहुत है। पिछले साल जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन, हाँ वो 3 महीने के लिए लगा था, वो थोड़ा कड़क था एकदम, ये थोड़ा सा नॉर्मल है। मतलब लॉकडाउन है इसलिए ऐसा लग रहा है? नहीं लॉकडाउन तो है, सारी दुकानें बंद तो है ना मैडम, चालू थोड़ा ना, सारी दुकानें बंद ही है। कितने सवारी बिठाते हो आप अभी? तो वैसे एक दो के ऊपर तो अलाउ नहीं या दो बस उसके ऊपर, एक उधर बिठाते एक इधर बिठाते। कार है ना का आपका? माने वाला बेसा। कुठे चालला म्हटला? इसा सनी कशाला? तिथेच राहतो मॅडम। मतलब आता तर लॉकडाऊन आहे ना, तुम्ही कशाला चालला तिकडे? नाही मॅडम तिकडे म्हणजे इथं गेलो होते मी, ते याच्या राशन कार्ड साठी नाही का तिकडे गावकडे, तिथं किरायला राहतो तिथं चाललो आता। हो का? काय काम करता तुम्ही? कंपनीमध्ये अमिताशामध्ये। हो का? आता जो लॉकडाऊन सुरू झाला आता 8 दिवसाचा, त्याच्यावरती तुमची काय प्रतिक्रिया? लॉकडाऊन लागला पाहिजे नाही लागला पाहिजे? नाही मॅडम कोरोना तर कमी झाला पाहिजे मॅडम। पण तुम्ही प्रायव्हेट जॉब करता ना, त्याच्यात तुमच्या कामावर असर होत असेल ना? हो मॅडम, पण आता मी 2-3 दिवस झाला तर गेलोच नाही मॅडम, कारण इकडे होतं का नाही। कंपनी चालू आहे का तुमची? हो मॅडम चालू आहे, 8 घंटे चालू आहे। तुमच्या हिशोबाने लॉकडाऊन लागला पाहिजे की नाही लागला पाहिजे? हिशोबाने मॅडम कारण लॉकडाऊन कंपनी बंद होईल तर मॅडम प्रायव्हेट कंपनी बहुत मग खावाले मॅडम, ह्यावेळी परेशानी होईल ना मॅडम। बरोबर आहे मॅडम, कारण आमच्यावर शेती वगैरे काही नाही मॅडम, रोजचं कमावून खाणं आहे मॅडम। कारण हे तुमच्या मिसेस आहेत का? आपने देखा कि लॉकडाउन के 5वें दिन भी सड़कों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग जैसे लॉकडाउन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन सबका कहना यही है कि लॉकडाउन अगर लगाया है तो लॉकडाउन लगाने से पहले उन्होंने आम जनता का कुछ बंदोबस्त कर देना चाहिए था। जो रोजी रोटी के लिए रोज बाहर निकलते हैं, जो कमाएंगे उसके बाद ही वो लोग खा सकते हैं। तो ऐसे हर एक आम जनता का यही कहना है कि पहले उनकी व्यवस्था करके दो और उनके बाद ही लॉकडाउन लगाओ। आप ऑटो चालक हो? हाँ। लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लॉकडाउन का मतलब मैडम ये है कि मीडियम क्लास का आदमी क्या खाएंगे और क्या परिस्थिति गुजरेंगे एक्चुअली। अब वो क्या है, जिसके पास में जिसको नॉलेज नहीं है और जिसको नॉलेज है तो वो अपनी सेफ्टी कर ले रहा है। कहते हैं मतलब देखा कि आपने कि आम जनता का हमेशा से यही कहना है शुरुआत से ही कि लॉकडाउन का वो पालन करेंगी, ज़रूर करेंगी, लेकिन उसके पहले उनको ये विचार आता है कि वो लोग अगर घर के बाहर नहीं निकलेंगे, काम धाम नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं कमाएंगे तो रोजी रोटी कहाँ से खाएंगे। लॉकडाउन की ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ी रहे और आप देख रहे थे तत्काल न्यूज़ लाइव।